हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। तो चलिए आज अभी हम लोग करेंगे 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम 2020 जो कल होने वाला है आप लोगों का। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट दो सभी का मिक्स करके मैं यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड आप अगर इससे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस इसमें होगा कि पार्ट वाइज करके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में दे सकता है, ठीक है। मतलब जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में होता है 2-3 पार्ट को ऐड करके दे देता है या बड़ा रहता है थोड़ा, तो 3 मार्क्स में उसका छोटा पार्ट दे देगा तो क्वेश्चन का आंसर वैसे ही लिखाएगा, लेकिन सिर्फ वर्ड का आपको लिमिटेशंस होता है कि कितने वर्ड्स में आंसर करना है। ये मैंने एनालिसिस में अपने बता दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको फटाक से देख लीजिए। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ बच्चों कि मैंने अपने थंबनेल पे ही डाला हुआ है आप लोगों को कि सिर्फ आप ये आकर देख लें कि आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर आपने नहीं, मान लीजिए पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ तो है ही, तय बात है कि पढ़ लिया है आप लोगों ने, लेकिन क्या है इसमें आपको सिर्फ एक बार रीचेक कर लें, रिवीजन कर लें, अपने दिमाग से सोच लें कि हाँ ये सारा क्वेश्चन जो भी मैम ने अभी बताया है वो सारा मैंने पढ़ लिया है, मेरा प्रैक्टिस में हो चुका है, ठीक है। बस आप कॉन्फिडेंट हो जाए अंदर से। इसके लिए मैंने आंसर यहाँ नहीं लिखा है बच्चे, क्योंकि आंसर लिखना फिर 120-150 वर्ड्स में आंसर हर एक क्वेश्चन का लिखना, तो फिर वीडियो तो समझ ही रहे हैं बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ये हो जाएगी परेशानी। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सारे से क्वेश्चन लिखा है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि समय एकदम बिल्कुल भी नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री में सब मैंने 7 क्वेश्चन सेट किया है आपके लिए जो आप रिवीजन कर लेंगे जिसका आप लोग, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 एग्जामिन द स्टेटमेंट। आपको ये करना है, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी मैं, आपके समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आप देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। 1789 एग्जामिन द रीजन्स दैट फोर्स्ड अमेरिका टू विड्रॉ फ्रॉम द वियतनाम वार, ठीक है। आपको कुछ रीजन्स बताना है जिसने अमेरिका को विड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दिया था वियतनाम वार से, ठीक है, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हाउ डिड द कोलोनिकल गवर्नमेंट रिप्रेस द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट आप जानते हैं, उसके बारे में ये रीज़न आपको बताना है, इसके थ्रू कनेक्ट करके लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड इफिशियंट, एनालाइज द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट्स। यानी इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें नेपोलियंस के बारे में आपको बताना है कि फ्रांस में नेपोलियन ने क्या किस तरीके से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वर्क किया, मतलब उसको कोरिलेट करते हुए इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है और आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बस एक बारी सरसरी निगाह से देख लीजिए, हो जाता है बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट एक्सप्लेन, मतलब महात्मा गांधी ने क्यों सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, रोका था, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये बहुत बार पूछा गया है सिविल डिसऑबीडियंस से, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको आप उस हिसाब से लिखेंगे, उस तरीके से रिलेट करते हुए लिखेंगे। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विथ पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटी, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, देखिए इसमें क्या है, सिविल डिसऑबीडियंस पढ़ा हुआ है आपने, उसको कैसे लिखना होगा आप देख लेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके बारे में लिखना है, उसने कैसे इम्पैक्ट डाला था इकोनॉमिक फ्रंट पर, मतलब इकोनॉमिक पे क्या उसका असर आया था, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सप्लेन। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन का 2 पार्ट है,
ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, तो आपको ध्यान से इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर आया ना सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैंने इसको आपको बोल रहे बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रूर से इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन दे पाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, आंसर मैंने नहीं किया है इसका, तो चलिए क्वेश्चन ही आप पहले देख लें और आपको समझ में आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन ज्योग्राफी से हम लोग आप देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन ही है ज्योग्राफी से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आना है, तो क्या आएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स सबसे मिक्स करके ही तो आना है ना क्वेश्चन को, तो इसलिए देखिए ये 5 क्वेश्चन आप लोग देख लें। वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व मिनरल्स रिसोर्सेज, एक्सप्लेन एनी 4 वेज टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, एकदम रट लेना बच्चों इसको, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाईलाइट्स एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व दैम। देख रहे हैं आप, किसी न किसी मतलब एक ही क्वेश्चन है, खाली पूछने का तरीका का फर्क है, तो आंसर का स्टार्ट जो होगा ना आपका, उसमें आपको भी ध्यान रखना है कि स्टार्ट कैसे करना है, बस इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोडवेज स्टिल हैव एन एड्स ओवर रेलवेज इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है अपना तर्क देते हुए, अपनी बात को सही तरीके से समझाते हुए लिखना है कि ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विथ दैट ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग पार्टी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, मतलब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या और कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में आपको लिखना है जो इंडिया में किया जाता है, ठीक है। यह हुआ आप लोगों का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाक से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू रिफॉर्म टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन द 1980s एंड 1990s, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म सुधार किए थे इम्प्रूव करने के लिए फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो हम लोगों के यहाँ हरित क्रांति हुआ था है ना, तो वो है, तो उसके बारे में इस मतलब उसी से कोरिलेट करता हुआ आपको इसमें लिखना है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन 5 मैंने दे दिया आपको, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ बच्चों कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन चांसेज है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग पढ़े रहना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ ही जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिर हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से फटाक से, पॉलिटिकल साइंस से भी मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो देखिए नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का 5 करेक्टरिस्टिक आपको लिखना है, बताना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें कोई टफ नहीं था कुछ भी, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पैनिक्स परफॉर्म्ड इन अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप उसका आंसर करने के लिए रेडी रहिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी सबसे सुपीरियर है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, टू प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है, सही है, इसके बारे में आपको आपने अपना लिखना है विचार, अपना स्टेटमेंट देना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, जस्टिफाई द आंसर। तो ये 5 क्वेश्चंस है जो पॉलिटिकल साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ये दो जो है आपका, डिस्क्राइब एनी 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको आ सकता है, आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पॉलिटिकल साइंस से, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन है,
तो आप देख लीजिए इसको, 6 क्वेश्चंस एनालाइज एनी 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनालाइज द रोल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स, ठीक है। आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन में कोई टफ बात नहीं है, वैसा कि आपको समझ में नहीं आए आपने कर लिया उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, उदारीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वही बताना है कि क्या होता है, मतलब क्या इफेक्ट, 4 इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाई इज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के कि क्या करना है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही डिफाइन होता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी कंट्री का, इसको एक्सप्लेन कीजिए आप अपने शब्दों में से लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट भी है, हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है, तो इसके लिए आप रेडी रहें किस तरीके से आपको लिखना है। कि देखिए सोशल साइंस और साइंस में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है कि सोशल साइंस में क्वेश्चंस एक ही टाइप का रहेगा, आंसर में खाली क्या है, जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन को अराइज किया गया है आप उस तरीके से उसको कोरिलेट करते हुए आंसर देते हैं, यही फर्क होता है। सोशल स्टडीज़ में आपको आंसर लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि आपने कैसे एक्सप्लेन करना है उस बात को, कैसे उसको एक दूसरे से जोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको, आपके लिए ये सारा क्वेश्चंस हेल्पफुल रहे और बहुत ज़्यादा मदद हो जाए आपकी, कि आपको लगे कि हाँ चलिए ये सारा पढ़ा हुआ है, कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।